इतना कुरकुरा है, इतना टेस्टी, कितने आराम से टूट रहा है। अपने घर में कोई बड़े बूढ़े हों, बुजुर्ग लोग, वो भी आसानी से खा सकते हैं। बिल्कुल कुरकुरा है। वैष्णवी इजी लाइफ में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ आप सब अपने परिवार के साथ खुश और स्वस्थ होंगे। और मेरी रेसिपी ज़रूर देखना, भूलना मत। आज मैं बेसन के फाफड़े बनाऊंगी। बेसन के फाफड़े एक नमकीन की तरह होता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम कुरकुरा। इसे बनाकर आप लगभग 1-1.5 महीने रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, तो ये नरम नहीं होगा, बिल्कुल कुरकुरा बना रहेगा। उसके लिए मैं 1 कटोरी बेसन ले ली हूँ, लगभग 200 ग्राम होगा, और थोड़ा सा तेल ले ली हूँ इसमें डालने के लिए। फिर इसे डीप फ्राई करने के लिए अलग से तेल लगेगा। और अजवाइन है 1/2 छोटा चम्मच, नमक 1/2 छोटा चम्मच, और 1/4 चम्मच हींग है। पहले मैं फाफड़े के लिए डो लगा कर तैयार करूँगी। इसमें मैं बेसन को डाल लूँगी और अजवाइन है इसको थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। इस तरह से अच्छा टेस्ट आता है। नमक और ये जो हींग लिए हैं इसे भी डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और ये जो तेल लिए हैं 2 चम्मच, इसे भी डाल देंगे, मिक्स कर ले रहे हैं। तेल और नमक मसाले मिक्स कर लिए इसमें अच्छी तरह से। थोड़ा सा मैं हल्दी डालूंगी, आप पसंद करें तो डालें, नहीं तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, थोड़ा सा कलर अच्छा आता है हल्दी डालने से। मिक्स कर ले रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो तैयार कर ले रही हूँ। थोड़ा सा और पानी लेंगे और एकदम नरम डो, इस तरह से आप अच्छी तरह से ऐसे मसल मसल कर एकदम नरम डो तैयार कर लें। और बाद में इसमें हम हाथ में तेल लगा कर इकट्ठा कर लेंगे, इस तरह से इसे मसलें। मैं हाथ में तेल लगा ली हूँ, तेल लगाकर अच्छी तरह से इसे मसल के इकट्ठा कर लेंगे। अच्छी तरह से मैं डो लगा कर तैयार कर ली, बिल्कुल नरम डो है। आप पसंद करें तो 2 चुटकी इसमें बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, मैं नहीं डाली हूँ। पापड़ खार भी डालते हैं, हमने कुछ नहीं डाला है, फिर भी बहुत अच्छा फाफड़ा बनेगा। आप एक बार ज़रूर इस तरह से बनाएं, बिल्कुल कुरकुरा। और जिसे बनाने नहीं आता है, बहुत लोग हाथ से बनाते हैं ऐसे करके, तो सबकी प्रैक्टिस नहीं रहता है, नहीं बन पाता है। आज हम आपको आसान तरीके से बताएंगे। और इस डो को मैं 15-20 मिनट के लिए रख दे रहा हूँ ताकि रेस्ट कर ले, थोड़ा फूल जाए। इस डो को रखे में 15-20 मिनट हो गया। डो को उठाएंगे, हल्का सा मसलेंगे और थोड़ा सा हाथ में तेल लगाएंगे ताकि ये डो चिपके ना। और छोटा छोटा इसको तोड़ेंगे, बहुत बड़ा बड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा छोटा। इसको हम गोल गोल बनाकर थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। पहले ऐसे छोटे छोटे लोइयाँ बनाकर और थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेंगे। एक पॉलीथीन की सीट लें ऐसे, आपके घर में होगा, सबके घर में ऐसे रहता है, कपड़े उपड़े या कुछ लाते हैं। थोड़ा सा तेल लगा लेंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। और एक जो ये लोई बनाए हैं इसको रख देंगे इस पर। इसको रख कर आप इधर जो ऐसे करी हूँ इसके ऊपर रख दें, एक नीचे है और एक ऐसे ऊपर है, जैसे आप पापड़ बनाते हो ना उस तरह से, तब चिपकेगा नहीं। जिसका प्रैक्टिस रहता है वो तो ऐसे ही बना लेता है। फिर इसको चाहे बेलन से चाहे हाथ से इस तरह से कर दें, इस तरह से आप बढ़ा दें, उसके बाद उठा लेंगे। थोड़ा सा ऐसे कर देंगे उंगली से तो चिपकेगा नहीं, ऐसे दबा देंगे कोने पे तो आराम से उठ जाएगा। इस तरह से चाकू से थोड़ा उठाकर इस तरह से उठा लेंगे, देख रहे हैं आप, जितना लंबा चाहें उतना लंबा बना लें। तेल ज़रूर लगाएं, हम इसमें रख दे रहे हैं, एक दो आपको और दिखा देंगे। दूसरी लोई ले लिए और तेल लगा लेंगे। इसमें तेल लगाइए सीट पर,
रख देंगे, ऊपर से दूसरा कवर कर देंगे इसको। आप चाहे तो हाथ से और चाहे तो बेलन से, आप बेलन से भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। ज़्यादा प्रेशर ना दें, बिल्कुल नरम डो है, ऐसे हल्का सा बेलन से बढ़ा लें। उसके बाद इस पॉलीथीन को खोलेंगे, थोड़ा सा यहाँ प्रेशर दें हल्का सा, जिससे ऊपर वाले सीट में ना चिपके। अब इसको हम थोड़ा सा खोल लेंगे चाकू से, ये देखें इस तरह से बना लेंगे सारा। तेल लगा लें और ऐसे थोड़ा सा स्टिक की तरह लंबा कर लें और ऊपर से कवर करें दूसरे पॉलीथीन से, या तो बेलन से या तो हाथ से, या दोनों तरफ ऐसे बढ़ा दें इस तरह से, ये चिपकेगा नहीं। अब जितना लंबाई चाहे उतना लंबा कर लें, चाहे हाथ से या बेलन से, थोड़ा सा यहाँ प्रेशर देंगे ताकि ऊपर वाले में ना चिपके। और चाकू से थोड़ा फिगर छोटाएंगे इस तरह से। मैं अब सारा बना ले रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है और ना तो मशीन की ज़रूरत है, इस तरह से ही आप बना लें। और इस पे बनाएंगे तो ऐसे करेंगे तो इसी में चिपक जाता है। बाकी के जितना हमारा बेसन का डो बना है इसी तरह से मैं बना लूँगी। कुछ फाफड़े हम बना लिए इस तरह से, अब मैं डीप फ्राई करूँगी। अब इसे डीप फ्राई कर लेंगे, इसी तरह से आप बनाएं और मैं डीप फ्राई करते रहेंगे और बनाते रहेंगे। तेल भी गर्म हो गया, मीडियम गर्म करें, बहुत हाई फ्लेम पे ना करें। और कुछ फाफड़े हम बना लिए हैं, और मैं एक हाथ से ऐसे उठाऊंगी टूट जाएगा, मैं आराम से इधर प्लेट रख के उठा ले रही हूँ। और एक एक फाफड़े इस तरह से हम इसमें डालते जाएंगे। कोशिश करो एक हाथ से उठ जाएगा, मेरे तो टूट जाता है। और जितना कढ़ाई में आ जाए उतना डाल देंगे इस तरह से, आराम से फूल के ऊपर चले आएंगे। ना बेकिंग सोडा, ना पापड़ खा और ना बनाने की प्रैक्टिस, फिर भी ना आसानी से आप फाफड़े बना लेंगे। और बिल्कुल कुरकुरा खस्ता अपने घर में कोई बुजुर्ग होगा वो भी खा सकता है। तो इसी तरह से हम इसको पलट दे रहे हैं, दोनों तरफ पका ले रहे हैं। गैस का फ्लेम मीडियम किए रहे हैं, नहीं तो जल्दी से जल जाएगा और कुरकुरा नहीं होगा। ये हमारा पक भी गया है, थोड़ा सा किनारे पर रोकेंगे, जो एक्स्ट्रा तेल है निकल जाएगा। इस तरह से आप बनाएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए हों तो मैं आपसे पूरी उम्मीद कर रही हूँ और अपील कर रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, भूलें ना। बाकी के फाफड़े मैं ऐसे डीप फ्राई कर ले रही हूँ, दोबारा से डाल दे रही हूँ। जितना कढ़ाई में आ जाए उतना डाल दें। और फाफड़े हम ऐसे डीप फ्राई कर ले रहे हैं, दोनों हाथ से डालेंगे तो मुड़ेगा नहीं, ये मुड़ गया है। अपने आप धीरे धीरे फूल के ऊपर आ जाते हैं, पलट देंगे। अब आप देख लिए, और मैं जितने फाफड़े बचे हैं डीप फ्राई कर लेंगे, बनाना बहुत आसान है। फाफड़े हमारे पक गए हैं, इसे भी निकाल लेंगे, किनारे पर रोकेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। ये देखिए हम, अब आप बना लेंगे ना, कमेंट जरूर करना, एक भूलना मत। बेसन के फाफड़े बना के तैयार कर लिए, और बनाना बिल्कुल आसान है, आप देख लिए। ना तो बेकिंग सोडा डालना पड़ा, ना तो पापड़ खार, कुछ भी नहीं डालना पड़ा, फिर भी इतना कुरकुरा है, इतना टेस्टी, कितने आराम से टूट रहा है। अपने घर में कोई बड़े बूढ़े हो, बुजुर्ग लोग, वो भी आसानी से खा सकते हैं, बिल्कुल कुरकुरा है। आप एक बार ज़रूर बनाएं इस तरह से, चाहे होली हो या दिवाली हो या ऐसे भी खाने का मन हो, बहुत टेस्टी होता है और मेहनत भी नहीं लगता है, ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है, आप आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ बेसन और नमक ही डाल देंगे तब भी बहुत टेस्टी होगा, इसमें हींग और अजवाइन नहीं डालेंगे तब भी बहुत टेस्टी होगा। आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाएं,
अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एक कमेंट करना, मेरी अपील है आपसे, कमेंट जरूर करना। और मेरी अपील है आप सबसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं पूरी उम्मीद आपसे कर रही हूँ। और वो जो घंटी के निशान है बेल के ना, उसे जरूर दबाना, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ, आपको जानकारी आसानी से मिलती रहे।